और ये पर्सन कोई एक का नहीं है, ये पर्सन जितने तुम बैठे हैं सबका है। कोई पूछ सकता है, कोई नहीं पूछता है। क्योंकि कल भी मेरे को एक मिला था, बोला मेरे को इतनी हिचक होती है सवाल पूछने में, मैं पूछ नहीं सकता हूं। मैं बोला अच्छा पूछ नहीं सकते हैं तो कागज पर लिख के देना। डर लगता है ना, इतने लोग बैठे हैं और सबके बीच में मैं एक मूर्ख सवाल पूछूं तो उसको पता है कोई ना कोई एक मूर्ख निकलेगा अर्जुन जैसा, वो सवाल पूछेगा और सब जवाब मेरे को मिल जाएगा। मैं कम से कम दिखाई दूं भाई मेरे को पूर्ण ज्ञान है, मेरे को शांति है, लेकिन जो सवाल पूछता है उसकी बड़ाई है, हिम्मत वाला है और जरूर पूछना चाहिए। और दादा भगवान ने तो यहां भी कह दिया है, बता दिया है कि जब तक तुम उत्तर प्रश्न नहीं करेंगे तो कोई भी होवे उसको कदाचित कभी भी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, याद रखना। जिसको भी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है या होता है उसने जरूर उत्तर प्रश्न किया होगा, और उत्तर प्रश्न करके जब अंदर से भीतर से संसार भ्रम सब निवृत्त हो जाता है, आत्मा की निष्ठा हो जाती है, तभी उसके अंदर परम शांति आ जाती है, निश्चय पक्का हो जाता है। प्रश्न यही है कि जब भी हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो दुनिया कभी कुछ सारा बारा नहीं करती है, और जो कर्म हमने किया ही नहीं है उसके प्रति भी कई ऐसे शब्द कहते हैं, कठोर शब्द सहन नहीं कर सकते हैं, दुख होता है बहुत, अंदर में हलचल होती है, भाई ऐसा क्यों होता है, क्या करें उसके लिए, क्या करें। तो कल पहले जो हमने वचन तुमको सुनाए थे आज फिर हम रिपीट करते हैं, तो हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है, कोई भी होवे, राजा होवे, रंक होवे, शाहूकार होवे, लड़का होवे, लड़की होवे, मर्द होवे, स्त्री होवे, सारे दुनिया को ये ब्रह्म ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की जरूरत है। आत्मा के ज्ञान के सिवाय भीतर में देह अध्यास रहता है, भीतर में मन रहता है, इच्छा रहती है, और ये दुख का कारण है तुम्हारी अपनी इच्छा। तो मेरी इज्जत कोई क्यों नहीं करता है, सारा क्यों नहीं करता है, और जो कर्म मैंने किया नहीं है उसके लिए ये लोग क्यों बोलते हैं, उल्टा शुल्टा क्यों बोलते हैं। लेकिन अंदर है एक छुपी हुई इच्छा है जो हमको दुखी करती है, जो किसी को पहले पता नहीं लगता है, बोले मेरे को इच्छा कभी। हम जब किसी को कहते हैं, जैसे ऐसी सभा लगी हुई है आज की, आज संगम है ना, कल से सैटरडे से संगम चालू हो गया, ये दो चार दिन चलता है, क्योंकि संगम में क्या होता है, सब नदियां आके मिलती है, फिर सागर से आके मिलती है। इधर भी कई शहरों के आए हैं, एक प्यार का संगम, मिलन का संगम होता है, अच्छी बात है। लेकिन आए हैं तो यहां से जरूर उत्तर प्रश्न करके और अंदर का सब भीतर का संसार भ्रम निवृत्त करके और अपने अहंकार की भेटा चरा के यहां से सर्व प्रेम लेके जाना। वाणी में कई बार तुमने अभी भी सुना गीता भगवान के वाणी में, तो जिसके भीतर में प्रेम आ गया तो उसका काम पूरा हो गया है। गुरु के पास आके गुरु सर्व तुम्हारे अंदर का विवेक को जागृत करता है, ज्ञान नहीं देता है, गुरु अपना आदर्श दिखाएगा, तुम्हारे अंदर वाले कॉन्शियस को जागृत करेगा। जिस दिन जिसका भी अंदर वाला विवेक जागृत हो गया, उस दिन से उससे कदाचित कभी भी कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। एंड नो सिन, नो सिक, नो डेथ। नो सिन, बीज गलत है नहीं, बीज है एप्पल का तो नेचुरली एप्पल ही मिलेगा, बीज है आम का तो आम ही मिलेगा, बीज है करेले का तो करेला ही मिलेगा। ऐसा नहीं बीज करेले का है और हम इच्छा करें तो मेरे को आम मिल जाए, एप्पल मिल जाए, ऐसा कदाचित नहीं होता है और नहीं होगा। तुम चाहे कितनी भी प्रेयर करेगा, कितना भी तुम जाके भगवान को जो है जाके आजी निजारी करेगा, भगवान भूल से मैंने तो करेले का बीज डाला है, अभी तुम मेहरबानी करके इसको तुरई बना दो, लेकिन ऐसा कभी
ऐसा होता नहीं है, होगा भी नहीं। जैसा बीज डाला है ऐसा ही फल निकलता है, ऐसा ही फल हर एक को खाना पड़ता है। ये सारी दुनिया जो है तुम देखना ये क्या हो रहा है, जो जो जैसा जैसा बीज जिसने डाला है ऐसा ऐसा फल खा रहा है। कभी तुमने देखा होगा, ये भी ऑब्जर्व करना, देखना। हमने तो ऑब्जर्व भी किया है, देखा है, अनुभव किया है। तुम भी ऑब्जर्व करना, अनुभव करना, और जब तुम्हारा अनुभव अपना अनुभव हो जाएगा वो ज्ञान तुम्हारा पक्का हो जाएगा। कई मिसाल हमने देखे हैं, एक मर्द सुबह को उठ के गाली देता है, एक मर्द उठ के चाय बना के बोलता है, डार्लिंग उठो, गरम चाय तैयार है, मेहरबानी करके उठो, चाय का कप रेडी है, पियो। हैरानी लगती है, एक सुबह सुबह को गाली खाती है और एक को जो है नींद में ही चाय का कप मिल जाता है। एक घर का मेंबर कमाता है, पूरा पूरा परिवार खाता है। एक ऐसा औलाद होता है तो जो भी कमाई की हुई है, इकट्ठी की हुई है, जुआ में, गैम्बलिंग में, ड्रग्स में पूरा पैसा गंवा देता है। ऐसा भी देखते हैं। तो दुख का कारण आओ तो ढूंढें, तलाश करें, ये बीमारी कौन सी है, ये दुख कहां से आया है, ये दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस। दुख का कारण है दे अध्यास। दुख का कारण है जीभा। तो जीभा में, दे अध्यास में, अंदर में अंतःकरण होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसको बोलता है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। पहले पहले तो अंदर पागल प्रोफेसर बैठे हैं, बीती हुई बातें याद करेगा, अगर ऐसा न करते थे, अगर मेरे को, कई बोलते हैं अगर न पहले ज्ञान मिल जाता था, पहले मिलता ही नहीं था, तुम सुनने वाले भी नहीं थे, पूछना अपने से। आम जब कच्चा होता है तो उसमें मीठा जोता है, जब पकता है तभी मीठा होता है ना। ये भी समय, जब पक जाता है, तुम रेडी हो जाते हैं तभी तुमको ये ज्ञान मिलता है। नहीं तो अगर तुमको ज्ञान मिलेगा भी, कोई सुनाएगा भी ना, बोलेगा पागल छोर अभी ज्ञान, ये कोई टाइम है। सबको अंदर में एक, ये भीतर में एक साइकोलॉजी इफेक्ट है, बड़ों को भी, घर वालों को भी। ज्ञान तब सुनना जब 60-70 बरस का, जब झूठा आए और प्रसाद हराम का मिले, तो ऐसे ठिकाने में जानना, ये रुपया लियो बुढ़ा, उधर झूठा खा के, वाणी सुन के, थोड़ी ताली बाली बजा के आना, और प्रसाद जरूर लेके आना, और पोटा पोटी भी है उसके भी, थोड़ा गोथरी लेके जाना, 2-4 प्रसाद की गोथ थैली में लेके आना, तो वाह वाह भाई, 1 रुपए का 2 रुपया मिल गया, ये बुढ़ा भी कमाई वाला है, प्रसाद जाके झूठा खा। और ब्रह्म ज्ञान है ज्वानी में, अभी ज्वानी में सब पढ़ाई कर रहे हैं ना, इंजीनियर कब बनेगा, डॉक्टर कब बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनेगा, कंप्यूटर कब सीखेगा, मोटर ड्राइविंग कब सीखेगा, ज्वानी में। बुढ़े आदमी को बोलो कार चलाओ तो हाथ पांव कांपता है, और सामने ट्रक देखी तो सीधा जाके उसे टकराएगा, बोलेगा मैं क्या करूं, डर में हो गया, देनी थी ब्रेक लगा दिया एक्सीलेटर को, ठीक आ जा, ट्रक जाके उसको लगाया, मैं डर गया, ऐसा हो गया। अभी कैसे सीखेंगे, ये ब्रह्म ज्ञान भी जिसको जवानी में मिल जाता है, तो इसमें जबरदस्त तुमको साधना करनी पड़ती है, ये सच है। तो जब, अभी सुना, जिसके हृदय में परमात्मा बैठ जाता है तो नेचुरली सब अंदर में परमात्मा ही बैठ के ये सब कार्य, सब साधना कराता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जब तलक अंदर परमात्मा बैठे, इतनी भूख इतनी प्यास लगे तो सही है किसको। एक दिन एक शिष्य गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास, बोला मेरे को कैसे भी भगवान का दीदार कराओ, कैसे भी, मेरे को बड़ी अंदर में लगन है मेरे को भगवान का दर्शन करने का है। ठीक है बैठो इधर, पहले बैठा, बोला देखो जब भी परमात्मा का स्मरण करते हैं तो पहले नहाते हैं, तो उधर नदी थी उसको लेके गया, नदी में नहाया, फिर क्या किया, उसके सर को पकड़ के ऐसा अंदर डाल दिया उसको,
गोता खाने लगा, बोला गुरुजी क्या करते हैं, मैं मर जाऊंगा। एक गोता आया, दूसरा गोता आया, इतनी घुटन मरने लगा। तभी इसको बाहर निकला, बोला गुरु है कौन है? मैंने बोला मेरे को भगवान का दर्शन करना है, ये तो मेरे को मारने के लिए लेके आए। शुक्र है तीसरा गोता नहीं खाया, मैं तो मर ही जाता था। गुरु ये भगवान ऐसा होता है क्या? बोला जब इतनी अंदर घुटन होगी ना, जब अंदर इतनी लगन होगी, जब अंदर इतनी भूख होगी, जब अंदर इतनी प्यास होगी, तभी भगवान तुमको एक पल में मिल जाएगा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, जब ज्यादा भूख होती है तो क्या करते हैं, सब मीठा लगता, कुछ भी दे दो, कच्ची रोटी दे दो, बोलता है ये भी दे दो, जल्दी दे दो, कुछ भी हो, प्याज दे दो, कुछ भी दे दो, थोड़ा नींबू डाल के दे दो, ये कर दो, कोई भी सब्जी दे दो, बिस्किट दे दो, कुछ भी दे दो, बहुत भूख है, बहुत प्यास है, जल्दी पानी दो, जल्दी कुछ भी पीने वाली चीज दे दो। ऐसे अंदर जब भीतर में एक भूख लगे, प्यास लगे, जो परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। मैंने देखा है, जैसे भी लड़की का मिसाल सुना, तो बाप का दुकान भी चलाती थी लेकिन ध्यान उसका पूरा पढ़ाई में था, और ये हो ही नहीं सकता है। मैंने सबको एक सीक्रेट, एक चाबी दे दी है, तो कोई भी जो पढ़ाई करता है और उसकी डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं आए, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है। कैसे? जैसे उस लड़की को लगन थी, पुट योर माइंड, योर इंटेलेक्ट एंड प्लस योर सोल टुगेदर। पुट योर माइंड, एकाग्र मन पढ़ाई में होना चाहिए। पुट योर इंटेलेक्ट, जो परमात्मा ने बुद्धि दिया है, एंड पुट योर सोल, परमात्मा को नहीं भुलाना। नहीं तो कभी कभी डर में जो है, जब क्वेश्चन आता है तो मन से उसका पूरा जवाब नहीं दे सकता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दिस इज द की ऑफ सक्सेस, एक चाबी सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए है। ऐसी लगन जब अंदर लग गई, सिकब कूड़ी सिकजे, सिके सजन न मिले। सिकब कूड़ी सिक जे सिके सजन न मिले, प्यास होवे और परमात्मा न मिले। इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं है। लेकिन तुम देखना, अभी एक आज थोड़ा ध्यान करना जरूर, थोड़ा समय जरूर बैठना, अंदर अंदर वाली पिक्चर को देखना, अंदर पिक्चर चल रही है। हरे के भीतर में एक थिएटर हॉल बनना पड़ा है, पर्दा लगा पड़ा है, पिक्चर चल रही है। सब तुमको जब अंदर भीतर बैठेगा अपने साथ तो पता लगेगा। अंदर मन में सच में तुमको परमात्मा के लगन है, परमात्मा के लिए लगन है, या सच में मन होशियार है, चालाक है, चतुर है, 50-50 चाहिए। अरे मैंने तो कईयों को देखा है, घर वाले बोलते हैं याद रखना, जब उसको लगन लगती है ना, बोलता है पागल हो गया है, मूर्ख हो गया है, अंधा हो गया है, बेवकूफ हो गया है, ये क्या हो गया, इसको गुरु ने जादू कर दिया है, मिसमराइज कर दिया है, अरे इसको रोको, ये करो वो करो, ये करो वो करो। बोलता है जब भी गुरु से प्रीत करो ना, 50-50 या 80-20। तुम भी जाके आज अंदर में भीतर में टुबी लगा के ऐसा देखना, तुम्हारे गुरु के साथ प्रीत है, परमात्मा के साथ है, या 50-50, आधी माया आधा भगवान। शांति भी इतनी मिलती है, इसीलिए सब आते हैं जितने होते हैं, बोलता है फायदा बहुत है, 50% तो फायदा होगा ही। मन भी चलता है, कभी कभी मन भी चलता है, क्योंकि आधा अज्ञान भी है, अभी लगन नहीं लगी है। वो लगन लगेगी जब अंदर में वैराग आएगा। तभी मैंने उस दिन सबको बताया, एक दिन क्या हुआ, एक गुरु के पास शिष्य आया, बोला गुरु मेरे को बहुत लगन है, बहुत लगन है, बहुत लगन है। बोला ऐसा करो, आज एक दिन जाके मसाने में बैठना। मसाने में जाके बैठा, 5-10-15 मिनट के बाद कई लाश आए, जलाए उसको, पूरी राख हो जाए, देख के आया। फिर दूसरे दिन आया,
बोला आज जाना, जहां जाके मुस्लिम लोग दफनाते हैं, जाके बैठा, सब बॉडी को अंदर डाले, ऊपर फिर मट्टी डाल दे। भाई पूरी बॉडी को मट्टी डाल दिया, पूरी बॉडी अंदर जो है दफना दी खड्डा बना के। बोला आज जाना फिर जहां बयाबान होते हैं, रेत ही रेत होता है। देखा वहां कहीं कई लोग जिसके माँ बाप है नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कई बॉडीज पड़ी है, लाश पड़े हैं, चील खा रही है, जानवर खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोला थोड़ा दिन रुक के फिर जाना। बोला हड्डियां पड़ी है। बोला थोड़ा दिन रुक के फिर जाना। बोला हड्डियां भी राख हो गई। बोला अभी जाके ध्यान करना तो तुम्हारी बॉडी का क्या होने वाला है, तुम्हारी बॉडी को क्या करेगा। तुम इस चीज का अहंकार करते हैं राख का। एक दिन हैरानी की बात हुई थी, एक जवान लड़की थी, 6 फुट लंबा उसका आदमी था, 6 फुट और बहुत पहलवान। एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको जला के जब राख लेके आया, औरत बार बार एक ही प्रश्न पूछे, मेरा मर्द कहाँ है। सब बोले इस डब्बे में है। बोले मेरा मर्द कहाँ है, बोला डब्बे में है। बोला मेरा मर्द, बोला डब्बे में। बस यही राख है। हाँ यही राख तेरा मर्द है, 6 फुट वाला। वैराग नहीं आता है, जीने की आशा है। मैं जीऊं और मेरा नाम होवे। नाम होना चाहिए परमात्मा का, नाम होना चाहिए तुम्हारा। इज्जत होनी चाहिए परमात्मा की तुम्हारी। नेम एंड फेम, यही तो अहंकार है। और अहंकार कौन सा होता है, चाहना जब पूरी होती है तो कितनी खुशी होती है, मन कितना खुश होता है। जब चाहना पूरी नहीं होती है तो जाके उसका चेहरा देखो क्या हो जाता है। सब पूछते हैं मेरे को क्रोध आता है, क्रोध आता है। मैं बोलता हूं क्रोध के बीमारी का पहले जाके देखो आता कहां से है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो क्रोध जब आता है उसका कारण है, उसका रीजन है। जब भी किसी की भी, चाहे छोटा बच्चा हो, तुम कभी भी किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं करो, उसका जाके चेहरा देखना लाल लाल हो जाएगा। एक बच्चे को भी देखना, बच्चा कोई चीज मांगे उसको नहीं दो, देखो कैसा करता है, जाके तोड़ेगा, बर्तन तोड़ेगा, ऐसा करेगा। बस मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। एक चाहना की पूर्ति नहीं होती है, क्या हालत होती है। एक वासना की किसी की पूर्ति नहीं हुई, देखो क्या करता है। सब बोलते हैं हमारा बहुत प्यार है, हमारा मेरी स्त्री जान कुर्बान है। एक स्त्री ने एक मर्द को बोला, तुम तो जानवर लगता है, रोज तेरे अंदर वासना होती है। बोलता है सच सच आज तुमने बोला है, क्योंकि तू है मेरी जान, मैं हूं तेरा वर, इसलिए मैं जानवर बन गया। कहां है प्यार, वेयर इज लव। सारी दुनिया स्वार्थ के पीछे प्यार करती है। जब तलक तुम्हारे से किसी का स्वार्थ पूरा होता है तो समझ जाना प्यार करते हैं। जिस दिन तुम किसी का स्वार्थ पूरा नहीं करेगा, देखना प्यार है, एक पल के अंदर प्यार टूट जाएगा। अभी तो हाल फुल हो गया है, पहले जमाने में 10-15 आते थे और सब मर्दों को तो डर इतना लगता था कहीं मेरी औरत बिगड़ न जाए। बिगड़ेगा माना बदली हो जाएगी बस। और कोई नहीं चाहता है तो कोई भी, चाहे मर्द आएगा तो स्त्री उससे झगड़ा करेगी, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी होता है। बदली नहीं हो, बाकी गुरु के पास जाओ, सत्संग सुनो, भले प्रसाद बनाओ, सेवा करो। सब पूछते हैं भाई कोई सेवा भाव, कोई पैसा, कोई प्रसाद बनाने का है, कोई लंच मेरे पास जरूर रखो। कल भी एक घर में सत्संग करने के लिए बोला, मेहरबानी करो जो बाहर से है उसको डिनर जरूर खिला, कुछ भी कोई दिन दियो, क्योंकि पता है अच्छा कर्म तो है ना, कम से कम फल तो अच्छा मिलेगा, स्वर्ग में तो जाएंगे कम से कम। एक देवे 10 पावे, मन को पता है इधर। तभी हम बोलते हैं इधर अंदर टुबी लगा के थोड़ा ध्यान करके थोड़ा अंदर देखना, कर्म तो करते हैं लेकिन अंदर में इच्छा कौन सी है।
और कोई कर्म करके तुम भुला के दिखाना। दूसरे को तो छोड़ो, एक शर्ट गुरु को देख के और भुला के दिखाना। जब पहन के आएंगे ना, बार बार नजर जाएगी, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है दादा, ये शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने दी है। बोलेगा नहीं, जबान से नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर वाला मन बहुत चलता है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमन। अरे यहां तक जब कोई कार लेके आता है ना, तो पेट्रोल का वो देखते हैं, अपने दामाद के लिए, अपनी लड़की के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, संडू के लिए, सालों के लिए जितना पेट्रोल खर्चा होगा कभी नहीं देखेगा। सत्संग के लिए हिसाब रखेगा, ये 5 किलोमीटर चल गया, 8 किलोमीटर इतना पेट्रोल जल गया, आज 100 रुपए का पेट्रोल, मर गए, खर्चा बहुत बढ़ गया है। किसी का दोष नहीं है, ऐसे नहीं किसी का ये दोष है, ये मन जिंदा है, पागल अंदर बैठा है, सोचता ही रहता है, चाहना, इच्छा, वासना, मैं, मेरा, कंपटीशन, कंपैरिजन, दौड़ भाग लगी पड़ी है, जितना है शांति नहीं आती। और अंधा भी ऐसा है घर में, जवान लड़का चला गया, अंधा जवान चला गया, तुम अपनी तैयारी करो, बताए मैं थोड़ी जाने वाला हूं, उससे बड़ी भूल हो गई, माँ चली गई, बाप चला गया, भाई चला गया, पड़ोसी चला गया, दोस्त चला गया, सब चला गया, सबको देख रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा सोया पड़ा है गहरी नींद में, बोला मेरा टर्न आने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन जिसको भी मौत याद आएगा, वो इस दुनिया में मुसाफिर खाने की तरह रहेगा। जैसे मुसाफिर खाने में आके रहते हैं ना, वो कभी दिल नहीं अटकाएगा, वो कभी कहीं फंसेगा नहीं, न किसी में फंसेगा न किसी को फंसाएगा। तो मैं तो तेरा बैठा हूं ना, सब मर्द स्त्री को बोलते हैं मैं बैठा हूं ना, लेकिन अभी उसका शरीर शांत हो जाए तो तुम्हारी हालत क्या होगी, कभी सोचा है, कभी ध्यान किया है, अपने पैरों पर खड़े हैं, मतलब मैं बैठा हूं, क्या करेगा तुम तो? तुम मट्टी का मटका एक धक्के से चूर हो जाएगा, पीछे मेरी हालत क्या होगी, तुम्हारे पास ज्ञान है, रोएगा पीटेगा। एक हफ्ते के अंदर मेरे पास न जाने कितने टेलीफोन आए हैं, इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, और सब जवानों का। रायपुर से शायद कुछ लोग आए हैं, वहां से टेलीफोन किया था, 3 लड़के, एक 9th वाला, एक 11th वाला, एक 12th वाला, कार में जा रहा था, ट्रक से टकराया और तीनों का उफट उधर ही शरीर शांत हो गया। कल भोपाल से टेलीफोन आया, वो टैंक में काम करती है, उसके मैनेजर का 2 लड़का, दोनों ही लड़का, एक को सिर्फ 10 दिन हुआ है शादी किए, दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, दोनों ऑन द स्पॉट उसका शरीर शांत हो गया है। ये मटका मट्टी का टूटने वाला, तभी भी कभी किसी को अंदर में वैराग नहीं आता है। आप भय उठे तृष्णा भई जवान, तृष्णा जवान, और खाएं पिए घूमें, गुरु आशीर्वाद करना, रामदेव का प्राणायाम सीखे, मेरे को बड़ी आयु चाहिए, मैं तंदुरुस्त रहना चाहता हूँ। भले तंदुरुस्त रहना ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बड़ी आयु होवे ये अच्छी बात है, लेकिन करना क्या है, इसके पहले क्या जिंदगी में किया है। तभी बोला, निष्काम कर्म का जो तुम आरंभ भी करेगा ना, तुमको भारी दुखों से बचा देगा, तुमको पता लगेगा ये दुनिया में कितने दुख सबको लगे पड़े हैं, मार सारी दुनिया दुखी लगी पड़ी है, मेरा दुख तो इतना तिनके जितना है। अहमदाबाद से एक आई थी, जब ये अर्थक्वेक हुई थी तो उसका मर्द, बेटा, लड़की, मकान सब दब गए हैं, अकेली सत्संग में बैठी थी, बच गई। तुम समझते हैं क्या हालत उस स्त्री की हुई होगी या होती है, कैसे जिएगी। लेकिन अभी इतना जिंदा है, इतना जिंदा है, इतना खुश है कि एक विधवा को ज्ञान सुनाया है, बोलती है तू मेरे लिए भगवान है, बोलती है मेरे पास तो फिर भी बच्चे हैं, सास है, ससुरा है, ये है, सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं है, अकेली रही पई है, तुम इतना खुश है। हाँ, इस ज्ञान का प्रत्यक्ष फल मिलता है अभी का अभी। कोई अंदर में ज्ञान ले, जागे,
इसका फल, इसकी शांति अभी के अभी मिलती है, उद्धार का काम नहीं होता है। सत कर्मों का जो फल मिलेगा उद्धार का, दूसरे जन्म। और जितना भी कर्म कोई करता है वो तुमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आएगा। को टक्कर्म बंधन के मूल, कर्मी तो आए कपरा, कर्मों से कपरा मिलेगा, जन्म मरण मिलेगा। न दरी मोक्ष द्वार, मोक्ष द्वार का तुमको नहीं दरी नहीं दरवाजा, मोक्ष नहीं मिलेगा कर्मों से। इसीलिए गुरु आके विवेक खोलता है, आके ये ब्रह्म ज्ञान देता है, जहां तुम अंदर में ही निरिच्छा हो जाएगा। इतना निरिच्छा हो जाएगा कि भगवान तुम्हारे सामने खड़ा होगा, पूछेगा मांगो। राजा जनक के पास गुरु गया, बोला मांग। ये फिर जो दान पुंज तुम कर रहा है ज्ञान के बाद, फिर दान पुंज कर रहा है, फिर अच्छा कर्म कर रहा है, मांग क्या चाहिए। डर गया, बोला हे प्रभु मैं तुमसे क्या मांगूं, क्या मांगूं, कुछ थिर नहीं। नहीं तो पोते का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, इतनी खुशियां, पिस्तों का हलवा लेके आते हैं, टकाटक डांस, टक 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 करके डांस करते हैं, लेकिन जब किसी का मृत्यु हो जाए तभी डांस करना। तभी ज्ञानी हर हालत में, इस ज्ञान से तुम हर हालत में खुश रहेगा। कोई कुछ भी शब्द कहता है कहने दे, कई बार सुना है ना, जब संत को ज्ञान हो गया तो वो भीख मांगने के लिए गया, तो कभी कभी औरत गुस्से में बैठी रहती थी, गुस्से में बोला बदमाश हरामी पापी नामुराद चले जाओ यहां से। उसने हाथ जोड़ के नमस्कार करके बोला माता आज तुमने मेरे को बहुत अच्छा प्रसाद दे दिया है। वो बेचारी डर गई, बोला मैंने तो गालियां दी है, इतनी संत की बेइज्जती किया है, मेरी मूड ऑफ थी, मैं गुस्से में बैठी थी, मर्द से झगड़ा करके बैठी थी पहले, तो जो सामने जब जिस झगड़ा होता है ना, बस जो सामने आता है तो पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकल जाता है, फिर पता नहीं लगता ये संत है गुरु है कौन है, मन में भरा पड़ा है बुग्स। बोला माता आपने बोला बदमाश, तो मैंने सोचा बराबर ये मास तो बद ही है, बदबू वाला है, पसीना ही पसीना निकलता है क्या इसमें। आपने बोला पापी, मना पिया को जाके पाओ। आपने बोला हरामी, हरी में जाके आराम करो। आपने बोला चले जाओ, मना इस देह अभिमान से चले जाओ। अरे तुमको तो कभी गुरु बोलेगा चले जाओ, बोलेगा दूसरे जन्म भी तेरा दर्शन नहीं करेगा, मेरे को मेरे सबके सामने, उसका मतलब मैं इतना गंदा हूं, इतना बुरा हूं, भाई प्राइवेट कुछ कहता था फिर भी ठीक है, अकेले में सबके सामने संगत के सामने मेरे को बोला चले जाओ, क्या लोग समझेंगे, लोग क्या समझेंगे। आज भी एक मिला, बोला लोग क्या समझेंगे, बोला लोक है कहां, यही तो ज्ञान है, तो है ही भगवान, लोग कहां है, यही तो भुलाने का है, ये तो तुम भी सत जगत भी सत, इसीलिए कभी सुखी कभी दुखी रहता है, लेकिन है ही परमात्मा तो सर्व सुखी हो जाएगा। आज थोड़ा ध्यान करके वचनों को लेके थोड़ा अंदर टुबी लगाना, अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करना, और जो अहंकार का शीश है भेटा चरा के जाना, खुद ही गंवा के जाना, और अंदर वाले खुदा को प्रकट करके अंतर्मुखी हो जाना, अपने घर में वापस आ जाना। तू अपने घर में जरूर आ जा, लेकिन खुद ही के बदले खुदा को पा जा। आज खुद ही गंवा के जाना और खुदा को प्रकट करके जाना, तभी तुमको नहीं लगेगा। जो लोग कुछ भी करते हैं, निंदा गला करते हैं, उनका स्वभाव होता है, आदत होती है, करने दे, एक दिन उस कर्मों का फल निकलता है, बहुत उसको सजा मिलती है, लेकिन तुम अपने मन को नहीं चलाना, मन में हमेशा शांति रखना। ऐसा भी होता है, उनका ये स्वभाव है, संस्कार है, उनका ये खास न्यूज़मैन होते हैं खास दुनिया में। हम लखनऊ में गए तो एक ने बोला रोज न्यूज़मैन आती थी, पता है आज क्या क्या हुआ है शहर में, इसको तलाक मिला है, इसकी लड़की भाग गई है, इसका लड़का मर गया है, इसका मर्द नशे ही है। बोला जिस दिन से ज्ञान सुना मैंने हाथ जोड़ दिया, बाबा अभी ये न्यूज़ नहीं, मेरे को भगवान की बात चाहिए, अभी मेरे पास सिर्फ परमात्मा की बात करना। बहुत निंदा गला सुनी, कान भी मैले हो गए, मुख भी मैला हो गया है, अभी मेरे को शुद्ध प्योर पाक पवित्र बनने का है, क्लीन बनने का है।
बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनना, ज्ञानी कभी नहीं बनना, बोझ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कभी पैरालाइज अटैक भी हो जाएगी, लेकिन क्लीन जरूर बन। तो साफ दिल हो गई तो साफ दर्शन परमात्मा का हो जाएगा। साफ थी वही दिल तुझी जडें, अची ठाई दो आसन तदें। परमात्मा कहाँ विराजमान होता है? साफ दिल में। तो आज क्लीन होके जाना, साफ होके जाना, ज्ञान का बोझ नहीं लेके जाना अपने साथ।